जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। सबसे पहले बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। अगर इस मध्य में देखें तो आप पाएंगे कि पर्वत क्षेत्र काफ़ी प्रबल है, यानी कि काफ़ी उभरा हुआ है। जब भी गुरु का यह क्षेत्र इस प्रकार से काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी हेल्दी पोजीशन में यहाँ पे हो, आपके एक बेहतर और ब्राइट फ्यूचर को दिखाने का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारी रेखाएं हैं जो कि मध्य से भी निकली है और ऊपर की तरफ क्लियरली आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी नीचे की रेखाएं होती है, ये आपके अंदर के सदज्ञान को दिखाने का काम करती है, आपके नज़रिए को और अध्यात्म के प्रति आपकी जो रुचि है उसे स्पष्ट करने का काम करती है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन को सकारात्मक रूप से लेते हुए आगे की तरफ और मान्यताओं को परंपराओं के साथ चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही मध्य के क्षेत्र में जो ये तिरछी रेखा है, ये रेखा समय समय पर आपके जीवन के अलग अलग पड़ावों में होने वाले बदलावों को दर्शाने का काम कर रही है। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके जीवन को मुश्किलों की तरफ ले जाने का काम करते हैं। जब भी यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनती है, वो रेखाएँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीछे करती है, थोड़ा जीवन में चुनौतियों को मुश्किलों को लाने का काम करती है, लेकिन आप उसे काफ़ी काबिलियत के साथ बेहतरीन तरीके से आप उसे पार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए हमेशा बनी होती है। आपको निश्चित तौर पे खुद पे भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस मुख्य रेखा से लगी हुई एक छोटी सी लकीर है। जब भी ऐसी स्थिति बने किसी की हथेली में, तो उन्हें स्पष्ट समझना चाहिए कि उनके लिए चुनौतियाँ किसी भी समय अवसर में तब्दील हो सकती है। इसलिए उन्हें लगातार अपनी तरफ से चीज़ों को करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रेखाएं ऑलरेडी खंडित हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। इसके अंदर जो जान है वो कम होती चली जाती है, तो आपको अपने कार्य में, अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करनी चाहिए। अब आप बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि आभा के रूप में, यानी कि छाया के रूप में कई सारे छोटे छोटे सिंबल की एक स्थिति बनी हुई है। ऐसे सिंबल जीवन के जो कुछ खास पड़ाव हैं, यानी कि बाहरी पड़ाव हैं तृतीय दौर के, उस समय जीवन को एक बेहतर स्टेबिलिटी देने की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। एक कब का होगा, ये होगा आपके लिए 50 से बाद की स्थिति में। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारे रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पर बन पड़ी है। इन रेखाओं की स्थिति को अगर गौर करेंगे तो छोटे छोटे तिलक के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा और त्रिशूलाकार आकृति के रूप में भी ये रेखाएं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर तब्दील होती चली जा रही है। अब इसमें से किन रेखाओं को मान्यता मिलेगी, किस सिंबल को मान्यता मिलेगी, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो ये बाहरी, जब एक सिंगल रेखा दो भागों में विभक्त हुई है, तो इसे तिलक के रूप में आप यहाँ पर मान्यता दे सकते हैं और बाकी पूरे क्षेत्र को त्रिशूल के रूप में मान्यता देंगे। और शनि के क्षेत्र में जब भी यहाँ पर तिलक की स्थिति बनेगी, ये जातक के जीवन को बेहतर गति से, शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़ाने का काम करती है। ये आपके जीवन को सारे सुखों से भरने का काम करती है। जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में परिस्थितियाँ बेहतरीन बनी रहती हैं और आप बेहतर गति से हंसी खुशी अपने जीवन को आगे जीते हुए बढ़ते चले जाते हैं। बाहरी क्षेत्र में जो एक खास रेखा है, ये शनि की रेखा है और इनका यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा है। इससे आयुष्य की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति आपके लिए हमेशा आपके कंट्रोल में होती है और बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर त्रिशूलाकार आकृति है, ये एक अत्यंत पुण्य और सुंदर रेखा है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में होगी, वो व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला होगा, सदविचार वाला होगा, जीवन को सही तरीके से जीने वाला होगा, किसी के लिए कुछ बुरी जैसी स्थिति नहीं करेगा, अपने कर्म के साथ चलने वाला होगा, अपनी परंपराओं का निर्वाह करने वाला होगा, अपने लोगों को सही ज्ञान देने वाला होगा, सही तरीके से पैसा कमाने वाला होगा, सही जगह पर खर्च करने वाला होगा, सही ज्ञान लेने वाला होगा, बुरी चीज़ों से दूर रहने वाला होगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हैं, इनके अंदर मानवता से भरी और करुणा से भरी और प्रेम से भरी चीज़ें और गुण इनके अंदर आते चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो बाहर के क्षेत्र में प्रवास करती चली जा रही है और इनका रुख सूर्य की तरफ है। सूर्य की तरफ रुख होना अच्छा नहीं है, ये एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि महीन रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है और ये क्या करती है, ग्रहण योग को बढ़ावा देती है। ऐसे में कई दफे सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता।
होता, आपके लिए उसके लिए बराबर बरकरार बनी रहती है, बराबर वो आपको परेशान कर रही होती है, एक ग्रहण योग के कारण यहाँ पर होता है। इससे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि निश्चित तौर पे व्यक्तियों को करना चाहिए, लेकिन ये उनकी हस्तरेखा के अनुसार तय होते हैं कि किस लेवल का उपाय किस तरीके से इनके जीवन में होना यहाँ पर उचित है। तो करने से जातक को यहाँ पर काफ़ी लाभ मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है और जिंदगी की काफ़ी सारी समस्याएं स्वतः ही उनके जीवन से बाहर चलती चली जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक छोटा सा तिल का चिन्ह है। ये तिल का चिन्ह आत्मबल को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करता है, कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है कई दफ़े जब हमारे पास बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और हमें लगता है कि शायद हम इसके काबिल नहीं हैं या हम इन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, या कई दफ़े एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है जिस समय आपको एक बेहतर मौका मिला और किसी न किसी कारणवश कुछ गलती हो गई वहाँ पर आपसे, और इस कारण वो आपके लिए आप पर भारी पड़ गया और आपके लिए मुश्किलों को ही उसने बढ़ा देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर काफ़ी डरा देने का काम यहाँ पर करता है और आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने खुद पर निश्चित तौर पर भरोसा करें और मन को नियंत्रण में रखें, परिस्थितियां आपके वश में होंगी, हमेशा ये आप मान के चलें। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ये भ्रांतियां हैं, ये आपके मन में आने वाले विकार हैं, ये आपको भटकाने वाले विकार हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहे, अलग अलग क्षेत्र में कोशिश ना करें, अपने जिसमें आपका टैलेंट है उसे पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। आपको सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ पर वही करता आपको हमेशा रहेगा। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि कई सारी रेखाओं की अस्पष्ट तौर पर स्थिति बनी पड़ी है, लेकिन कुछ रेखाएं सीधी अवस्था में आगे की तरफ जा रही हैं जो कि आपकी विद्वता को स्पष्ट तौर पर यहाँ पे दिखाने का काम कर रही है, आपके ज्ञान को, और आपस में जो आपका तालमेल है ज्ञान बुद्धि विवेक का उसे भी स्पष्ट तौर पर दर्शाने का यहाँ पर काम कर रही है। अपने कार्य के प्रति जो आपका समर्पण है उसे भी ये दिखाने का काम करती है। जब भी आपके हाथ के लकीरों में 1 से 3 तक की संख्या में रेखाओं की स्थिति बनती है, ये आपके एक सुंदर सोच को और आपके कार्यक्रम को दिखाने का स्पष्ट तौर पे काम करती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चतुर्थ रेखा है, इसलिए जबकि वास्तविकता में 2 ही रेखा है, दोनों जो है वो टेम्पररी लाइन्स है और स्थायी रेखाएं हैं, तो इनका प्रभाव एक खास सीमित समय तक ही रहेगा। तो बाकी 2 रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जीवन के लिए काफ़ी सुंदर उद्देश्यों को स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो विवाह संबंधी जो रेखाओं की स्थिति है ये काफ़ी सुंदर है, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है और ये रेखाएं बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है और जातक के जीवन को एक बेहतर आयाम प्रदान करने का स्पष्ट काम करती है। इसके अलावा हृदय रेखा की हम बात करेंगे। हृदय रेखा की स्थिति आप देखेंगे, देखो जब भी किसी व्यक्ति के दिल में इस प्रकार की रेखाएँ हों और एक दूसरे को काट रही हो तो उस पर गौर करना, क्योंकि आपके कई सारे रिश्तों को निगल जाने का काम करती है, ठीक है, कभी विस्तार से बात करेंगे इस पर। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर हृदय रेखा की। जब भी आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से बिना खंडित हुए आगे की तरफ बढ़ रही हो, ये रिश्तों की समझ, आपके अंदर का प्रेम, करुणा और ईमानदारी को दर्शाने का काम करता है। आप रिश्तों के साथ जीना पसंद करते हैं, सबको एक साथ लेके आप चलना पसंद करते हैं, इसे दिखाने का काम करता है और स्वस्थ जीवन जिएंगे इसे भी स्पष्ट तौर पर दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में जहाँ पर मस्तिष्क रेखा की स्थिति है, तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी बेहतरीन रूप से यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सुंदर अवस्था में है, बिना खंडित हुए, बिना अप डाउन के बहुत ही सही तरीके से जा रही है, एक सुलझी हुई जिंदगी को दिखाने का स्पष्ट काम करती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की, एक जॉब पकड़ी, जॉब को किया और उसके साथ बढ़ते चले गए, बीच में कई दफ़े मन हुआ कि नहीं कुछ और भी करते, कुछ अपने पसंद का भी शौक का भी काम करते करने गए, लेकिन पता चला कि नहीं हम इसी के लिए ठीक हैं, फिर जा तक वापस इन चीज़ों की तरफ आए और इन चीज़ों के साथ लेके आगे की तरफ बढ़ते चले गए, ज़िंदगी कहीं रुकी नहीं, मस्तिष्क रेखा सब कहानी बयां कर देती है। सच बताऊँ यहाँ पर देखो हृदय रेखा से कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, यहाँ की जो स्थिति है ना वो बताती है कि किस प्रकार से जज्बात
और किस प्रकार से भावुकता जातक के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जातक के साथ जुड़ा हुआ है। जातक दिमाग से हमेशा नहीं सोचता है, जातक दिल से चीजों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। रिश्तों में रस है, रिश्तों में प्रेम है, सुखी नहीं है चीजें, ऐसी चीजों को जब भी ऐसी स्थिति हो ये दर्शाने का यहाँ पर काम करते हैं। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे छोटे छोटे कोष्ठक की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, ये जो है ना एरर्स हैं, ठीक है, बार बार आने वाले बदलाव, मानसिक तौर पे विचलित करने की जो स्थिति एक होती है उसे दिखाने का काम करते हैं। लेकिन समय समय पर गृह निर्माण, वाहन संबंधी सुख, इसे भी दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ आप अपने पैसों से यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर अस्पष्ट है। इसके अलावा घरेलू कुछ समस्याएं जीवन में आएंगी, लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उस पर आप काबू पाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। त्रिशूलाकार आकृति के साथ मंगल की रेखा, और क्या चाहिए जीवन में, हर मुश्किल परिस्थिति में आपको खींच के बचा ले जाएगी। सुना होगा ना, बाल बाल बच गए वही बच जाएंगे, वैसे ही स्थिति बनती रहती है, ठीक है। भाग्य रेखा, दोहरी भाग्य रेखा की स्थिति, एक चंद्र के क्षेत्र से निकलते हुए जातक जल संबंधित कार्यों में आगे की तरफ बढ़ेगा, वही जातक के करियर का कारण बनेगा। इसके अलावा जीवन के रिटायरमेंट के बाद की अगर हम जीवन की बात करें तो उसके बाद भी आर्थिक तौर पर जीवन को बेहतर तरीके से आप समृद्ध करते चले जा रहे हैं, एक काफी अच्छी स्थिति है। पैसे से पैसे कमाने की योजना की तरह काम हो रही है चीज़ें, जीवन के दूसरे पड़ाव में काफ़ी सुंदर है, और क्या चाहिए जीवन में, बेहतर है। इसके अलावा धन संग्रह भी काफ़ी अच्छी गति से हो रहा है और बेहतर हो रहा है, ऐसी स्थिति चंद्र का क्षेत्र स्पष्ट तौर पर बताने का काम करता है। जब भी इस प्रकार की स्थिति चंद्र के क्षेत्र पर पनपनी शुरू हो जाए। जीवन रेखा की अगर हम बात करते हैं तो पाएंगे कि जीवन रेखा में बीच में कई सारे कट्स हैं, लेकिन काफ़ी गहरी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। सामान्य तौर पर देखें तो जीवन रेखा का गहरा होना उत्तम नहीं होता, लेकिन यहाँ की जो गहराई है ना वो लालिमा युक्त है, और जब लालिमा युक्त गहराई होती है तो जीवन को बहुत ही सुंदर स्थिति तक लेके जाने का काम करती है, आपको स्टेबल करने का काम करती है, विकृति को आपसे दूर करती है। इसे आप ऐसे मान लें जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बाहरी चीजों से बचाने का काम करती है, उसी प्रकार से एक सुंदर जीवन रेखा आपके पूरे जीवन का श्रृंगार है, आलिंगन है, जो कि जीवन को अत्यंत सुगंधित बना देने का कार्य करती है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारे कोष्ठक हैं जो कि यहाँ पर मत्स्य आकार आकृति में यहाँ पर पनप रहे हैं, और ये बड़े सुंदर सिंबल हैं जो कि जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास को दर्शाने का काम करते हैं, और जीवन में मांगलिक जो मंगल कार्य हैं उसे दर्शाने का यहाँ पर कार्य करते हैं। मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर जातक के जीवन में उल्लास, प्रेम, उत्सव हमेशा चल ही रहे होते हैं, उसे दिखाने का काम करते हैं। इसके साथ ही आपकी बुध की रेखा भी काफी प्रभावी है, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी पूर्णता के साथ ऐसे जातक काम करने वाले होते हैं, और इन सब के कारण मध्य में आप यहां पर देखेंगे तो आपके लिए धन त्रिभुज की भी स्थिति बनती चली जा रही है। धन की गठरी पोटली कही जाती है इसे, जब ऐसी स्थिति बने ऐसे व्यक्ति कैसे निर्धन हो सकता है, उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ योग, और वैसे इस हथेली में देखो तो शुभ रेखाओं से भरी पड़ी है। जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा, तनिक भी चिंता करने की बात नहीं है, बस कमाइए खाइए और हंसी खुशी अपने जीवन को जीते हुए चले जाइए। जिंदगी बहुत कुछ देगी क्योंकि आप जिंदगी को दे रहे हैं, हमें वही मिलता है जो हम देते हैं, ठीक है। हर एक क्रिया की निश्चित तौर पे प्रकृति की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर हैंडपम्प को आप उस पे अपना कर्म करेंगे, उसे प्रेशर देंगे तो पानी देगी ही, उसी तरीके से आप अपना कर्म करेंगे तो फल देगी ही, जैसा करेंगे उस प्रकार से चीजें पहले भी मिलती आई है आगे भी मिलती जाएंगी। नीचे के क्षेत्र में दो मुखी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह की स्थिति जीवन की समृद्धि को पुष्ट करने का काम कर रही है, और मुश्किल दौर में भी आपकी हिम्मत को बनाए रखने का काम करेगी, आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाए रखने का काम करेगी, और जीवन को बेहतरीन ढंग से उसका श्रृंगार हमेशा करती रहेगी। आपके चंद्र के इस क्षेत्र को देखें तो ये कोमलता, भावुकता, प्रेम को बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णित करने का काम कर रहा है। माता पत्नी के बड़े प्रेमी, बेटी के बड़े प्रेमी, और स्त्रियों की बड़ी इज्जत करने वाले, और जीवन को सही मायने में समझते हुए जीने की कला जातक के अंदर विकसित होती चली जाती है। बड़ा सुंदर स्थिति है, भगवान भला करे इसी प्रकार से आपकी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठाकुर जी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा आप पर इसी प्रकार से यहाँ पर बनी रहे। हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिससे जातक को यहाँ पर बचने की आवश्यकता निश्चित तौर पे बनी रहती है, और वो स्थिति है इस मध्य के क्षेत्र में चंद्र और मंगल के मध्य के क्षेत्र में इस तिल का होना। ये स्थिति
कुछ खास समय में मानसिक स्तर पर एक विचलित स्थिति को दर्शाने का काम कर रही है। विचलित कभी ना होए जीवन में, नहीं तो आपके लिए कुछ नुकसान की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, विचलित नहीं होना है। और एक चीज और, विरासत में जो कुछ भी मिला है, यानी पैतृक रूप से जो कुछ भी मिला है उसे सहेजे, उसे कभी अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।